हमारे यहाँ आपको पता है कि जो भी कोई बिजनेसमैन कामयाब होता है तो आम तासुर यही है कि फिर उसको अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए या तो वो सियासत में आ जाता है या फिर वो कोई टीवी चैनल या कोई अखबार वो लेके आ जाता है ताकि उसका क्लाउड बढ़े और जो पावर्स दैट बी हैं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। आपने ऐसा कोई वेंचर नहीं किया, वाई? देखिए जी, मुझे बड़ा शौक था एक वक्त कि एक टीवी चैनल हम बनाए। बड़ा सोचता रहता था क्योंकि उससे ये क्लाउड वाला आइडिया तो नहीं था, मगर ये था कि हम कुछ बेहतरी कर सके मुल्क के साथ। वो मेरा आइडिया जो है ना वो अब्रप्टली ख़त्म हो गया। मेरे बड़े दोस्त हैं मीर शकील उर रहमान साहब, इसी दफ्तर में आके मेरे से मिलते होते थे और एक दिन उनको अरेस्ट कर लिया उन्होंने ऑन अ फ्रिवलेस चार्ज। आप के 35 साल पहले तुमने प्लॉट खरीदा था। उसके बाद मैंने सोचा कि ये मैंने काम नहीं किया तो बड़े पैसे भी बच गए और ये काम बिल्कुल मेरे बस का रोक नहीं है। आई कांट डू दैट, यू नो। इसी तरह सियासत में भी व्हेन आई एम, हमारी फैमिली में आई एम दी ओनली एल्डर, तो ये मेरा सियासत में जाना वो, बट आई हैव मैनी गुड फ्रेंड्स इन सियासत और आई थिंक सियासत में भी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है कि जो हमारी नेशनल असम्बली की कमेटियाँ हैं या सेनेट की कमेटियाँ हैं उसको आप वाइब्रेंट बनाएं। या फिर कॉमर्स की है या फाइनेंस की है तो उसको प्रॉपरली टेलीवाइज करें, उस पर क्वेश्चन पूछें। उससे काफ़ी बातें होंगी जो कि यू कैन गिव योर इम्प्रेशन, चेक एंड बैलेंसेस भी हो सकते हैं। तो आई थिंक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिजनेसमैनों को आगे आना चाहिए। मियां साहब, किसी भी बिजनेसमैन के कामयाब होने के लिए कहा यह जाता है कि उसके ताल्लुकात ख़ासतौर पर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी होने चाहिए, प्रेजिडेंसी में भी होने चाहिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी उसके ताल्लुकात होने चाहिए। प्रॉब्ली यू आर वन ऑफ द फ्यू पर्सनालिटीज़ इन पाकिस्तान जिनके इन तमाम 3 जगहों के ऊपर ताल्लुकात हैं। ये रिलेशंस क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान में? एक कारोबारी शख्स क्यों अपने काम जो है वो इन तीनों हाउसेस के बगैर नहीं कर सकता? आई थिंक इसमें जो है कोई ज़रूरत में ताल्लुकात रखने चाहिए बिकॉज एवरीबडी टेक्स योर एडवाइस एंड आई हैव बीन एबल टू गिव माई एडवाइस। कभी वो उन्होंने ली है, कभी नहीं ली, बट आई डू फील कि वन शुड गिव द एडवाइस। एंड नाउ आई थिंक इलेक्शंस आर कमिंग एंड माय एडवाइस टू द इनकमिंग गवर्नमेंट जो भी आएगी, एक तो हमेशा मैं कहता हूँ कि जो अमेरिकन सिस्टम है फॉर एग्जांपल, अच्छे लोग प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट होने चाहिए। ये नहीं कि तुसी माड़े चंगे बंदे सारे जो आपको येस करें वो नहीं, कोई यंगर पीपल। लेकिन पाकिस्तान में तो ये कल्चर ही नहीं है। पाकिस्तान में तो अगर आपकी फैमिली का बहुत करीबी बंदा कोई फाइनेंस मिनिस्टर ना हो, कोई कॉमर्स मिनिस्टर ना हो, कोई आपका जो SAPM है वो आपके ट्रस्ट फॉर द फैमिली से ना हो, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हिस्टोरिकली ये समझते हैं उनका काम ही नहीं चल सकता। नहीं, अब जगह प्राइम मिनिस्टर ने कामयाब होना है उसको लिए ये कदम। द बेस्ट इज रिचर्ड निक्सन, जब वो प्रेजिडेंट था तो 2 उसके जर्मन होते थे, हर्डमैन एंड अल्कमैन होते थे वहाँ पर वाइट हाउस में, और वो लोग जो है ऐसी एडवाइस देते थे एंड दे हैड। वो सुबह 7:30 बजे रोज़ मीटिंग होती थी बेसमेंट में। तो ये इस तरह मैंने कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को नॉट नेमिंग ये कहा है कि जी आप अच्छे बंदे रखें, और अच्छे बंदे आए भी हैं, कुछ अच्छे बंदे भी उनके साथ काम। आर यू एडवोकेटिंग कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए? क्योंकि अमेरिका में तो फिर इसीलिए तो क्योंकि वो डिपेंडेंट उस तरीके से कांग्रेस पे नहीं होता, वो अपने एडवाइज़र कहीं से भी उठा के रख लेता है। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यू हैव टू कैटर टू सो मैनी पोलिटिकल कंपल्जन्स, अकोमोडेट करना, कोएलिशन, ये वो। सो इन अ वे आर यू एडवोकेटिंग कि पाकिस्तान के अंदर भी हम शायद एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लें? विच विल बी बेटर, आई थिंक डेफिनेटली बेहतर होगी। जिस तरह हमारी 4 प्रोविंसेज हैं और 18वीं अमेंडमेंट के बाद काफ़ी डाइल्यूट हो गई ये चीज़ें, तो मेरा ख्याल में दैट इज़ अ गुड आइडिया। बट आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज़ द जर्मन गवर्नमेंट, जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई, और उनका सिस्टम इज़ द बेस्ट। वहाँ ये है कि इफ़ पार्टी डजंट गेट 5% ऑफ द वोट ही इज़ आउट। तो हुआ क्या है कि 3 पार्टियाँ वहाँ बन गई हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स और एक कोई ग्रीन पार्टी होती है नीचे। उनका बेस्ट चीज़ है कि 200 सीटें हैं उनकी पार्लियामेंट की, वो 200 सीटों पर अपने नॉमिनीज दे देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे PhDs हैं सारे, चांसलर, शोडर, फलाना डमकाना। तो वो उनके पास अगर 50% सीटें मिलती हैं तो जो फर्स्ट 50 हैं, नो कॉन्स्टिट्यूंसी, नो खाकवानी, नो गर्देजी, वो पहले 50 ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाते हैं। और अगर 60% सीट मिलेंगी तो दैट सिस्टम इज़ इन द मॉडर्न डे वेरी गुड कि आप उसमें बेस्ट ब्रेन्स ले सकते हैं, जो कि जो हमारे यहाँ नहीं है कि आप हैं तो जी उकाड़ा से हैं तो आपकी बरादरी है तो आप वही आपको वोट करेगी, तो वो उस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो बेहतर है। बट नाउ जो जहाँ पर हम हैं यहाँ पर अब हमें तो 3 इलेक्शन कराने पड़ेंगे, उसके बाद लोग सहने हैं बड़े। देयर विल बी फिल्टरिंग ऑफ बैड पीपल या पॉलिटिशियंस या पार्टी। वैसे लोग अभी तो ये दुआ कर रहे हैं कि एक इलेक्शन ही हो जाए, अभी तो लोग उसकी के लिए कि पता नहीं इलेक्शन होते हैं नहीं होते,